दुर्गा सप्तशती, आपने जो है वो दुर्गा पूजा में इसका ग्रंथ का बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, और आपने जो है वो देखा भी होगा कि इसका जो है वो पाठ करते हैं यूजुअली घरों में जो है वो नवरात्रि के समय में। तो ये जो है वो दुर्गा सप्तशती एक बुक है जो कि आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई है और राष्ट्रीय बेस्ट सेलर भी रही हुई है। यूजुअली नवरात्रि के दिनों में जो है वो ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और अगर आप जो है वो इनके बारे में नहीं जानते हैं आचार्य प्रशांत के बारे में, तो आप YouTube पर जाकर आचार्य प्रशांत सर्च करेंगे तो आपको जो है वो इनकी YouTube चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप इनके बारे में जान सकते हैं। तो देखो, दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है, इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन। इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, और आपको इसमें जो है वो डिलीवरी चार्जेस नहीं लगती है। लेकिन अगर आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगाओगे तो शायद वहाँ पे थोड़ी महंगी पड़ेगी बुक, वहाँ पे आपको जो है वो 200 या उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। लेकिन आप आचार्य प्रशांत की वेबसाइट जो है उससे अगर बुक मंगाओगे तो आपको जो है वो सस्ते दामों में मिल जाएगी। तो अब जो है वो आते हैं कॉन्टेंट पे कि कॉन्टेंट्स में क्या है। तो देखो, इसमें जो है वो जैसे अगर आप दुर्गा सप्तशती आपने पाठ किया हुआ होगा तो वहाँ पे जो है वो अगर आपने अभी तक सिर्फ पाठ किया है और समझा नहीं है कि आखिर उसमें क्या कही जाती है, या फिर सिर्फ आपने कहानी समझा है कि कहानी क्या है दुर्गा सप्तशती की, तो उसमें जो है वो तीन चित्र है, चरित्र है यहाँ पे मेनली, जैसे महिषासुर, सुमनी सुम्ब और एक रक्त बीज हो गई। तो ये जो है वो तीन असुरों का मेनली वध का कहानी है। ओके, तो वही जो है वो यहाँ पे, अब ये जो बुक है इसमें चैप्टर वाइज डिवाइड की गई है। तो जैसे प्रथम चरित्र आप देखोगे तो इसमें 10 चैप्टर्स हैं, द्वितीय चरित्र में भी जो है वो आपको 10 चैप्टर्स मिलेंगे, 10 नहीं है यहाँ पे 16 है, 6 है, ओके, और तृतीय चरित्र में लगभग 15 है। तो आप जो है वो यहाँ पे जो है वो इसे पढ़ सकते हो, और इसके बारे में जो है वो आप देखोगे कि डायरेक्ट जो, अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे श्लोक मिल जाएगा तो वो नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट श्लोक वाला जो है वो बुक चाहिए तो ये परफेक्ट बुक आपके लिए नहीं है, आपको दूसरा बुक देखना होगा। लेकिन इस बुक में क्या है कि इस बुक में आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। एक्सप्लेनेशन कैसे है कि जैसे अगर आपने कभी पढ़ा है, कहानी पढ़ा है, अगर दुर्गा सप्तशती के बारे में आपने कभी पहले पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि इसमें जो है वो 13 अध्याय है, दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है और 700 टोटल श्लोक है, जिसमें तीन चरित्र हैं, और जो तीन चरित्र है उसे कैसे समझना है कि आखिर जो देवी हैं वो देवी कौन है, प्रकृति क्या है, तो उसको जो है वो आचार्य जी ने यहाँ पे समझाया हुआ है। और आचार्य प्रशांत ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है कि कैसे जो है वो हमें दुर्गा को के चरित्र को समझना है, और कैसे जो है वो हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए जो है वो कामना पूर्ति सिर्फ ना करने का साधन छोड़कर बल्कि मुक्ति का मार्ग कैसे हमारे लिए संभव है, वो जो है वो आचार्य जी ने समझाया है। तो पहले जो है वो अगर आप बुक को देखोगे तो बुक के पहले पेज पे तो ये है दुर्गा सप्तशती, यहाँ पे आचार्य प्रशांत के बारे में लिखा गया हुआ है कि आचार्य प्रशांत कौन हैं और वो क्या काम करते हैं। मेनली जो है वो एक प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन है, और यहाँ पे उनके बारे में संक्षिप्त जीवनी है 3-4 पेजेस में। फिर जो है वो कंटेंट आता है कि इंडेक्स क्या है, और उसके बाद प्रथम चरित्र। तो ये जो है वो आचार्य जी का जो है वो यहाँ पे कब ये बोध स्थल हुआ था, मीन्स सेशंस जो होते रहती है उसी का जो है यहाँ पे लिखा गया हुआ है। तो अब जो है वो आप देखोगे कि यहाँ पे प्रथम चरित्र में देवी उपासना का रहस्य और उद्गम, तो इस पे जो है वो यहाँ पे पहली चैप्टर हो गई। फिर दूसरा जो है वो इसमें क्या है कि प्रश्न उत्तर के फॉर्म में भी यहाँ पे आपको मिलेगी, माया न समझो तो बंधन, समझ गए तो मुक्ति का द्वार। तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसे एक बार पढ़ोगे। मैं अभी खुद जो है वो इसे और भी पढ़ रहा हूँ, मेरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। और जो साथ साथ आप दुर्गा सप्तशती है उसका मूल रूप भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि जो मूल ग्रंथ है, जैसे ये तो मूल ग्रंथ नहीं है, ये जो है वो उस पर भाष्य एक तरह से हो गई, मीन्स कमेंट्री। लेकिन जो मूल ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, जिसमें जो है वो आपको 700 श्लोक और 13 अध्याय मिलेंगे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे भी परचेज कर सकते हो। वो जो है वो आप गीता प्रेस की ले लेना, गीता प्रेस का आप पढ़ सकते हो। और ये जो है वो उसके साथ अगर आप मीन्स पढ़ोगे तो ये जैसे सोने पे सुहागा होगा वैसी बात हो जाती है।
तो आपको एक समझने का और एक नया नज़रिया मिलेगा। सिर्फ कहानी ही नहीं है, मीन्स ये जो दुर्गा सप्तशती है वो मेनली तो अगर आप देखोगे तो एक माइथोलॉजी की तरह, कहानी की तरह है, लेकिन उस कहानी से भी जो है वो कहीं आगे की बात जो है वो आचार्य प्रशांत बताते हैं। तो इसलिए जो है वो ये आपके लिए बेहतरीन होगा, आप इस पुस्तक को खुद भी पढ़ें, और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर गिफ्ट दें। आप जो है वो बर्थडे में या फिर वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो या फिर कोई आपका सगा संबंधी है जिनके आप दिवाली के समय जा रहे हैं या फिर दशहरा के समय जा रहे हैं, तो आप ये बुक ज़रूर उन्हें दें, क्योंकि ये बुक जो है वो कहीं ना कहीं हमें सनातन धर्म से जोड़ती है, और हमें जो है वो माता के बारे में जो भ्रांति है, जो हमें भ्रम बैठा हुआ है, उन सभी से भी जो है वो बाहर निकालती है। तो देवी के प्रति जो है वो हमारी आस्था है उसको कहीं ना कहीं और अच्छी बनाती है। तो आप जो है वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। अब देखिए, जैसे ये जो रैंडमली मैंने ओपन किया है, पशु बलि क्या है, ग्रंथों और पुराणों की कथाओं को कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमें बताया नहीं जाता है। हमें लगता है कि जो पुरानी चीज़ें लिख दी गई हैं वो पत्थर की लकीर हैं, तो एज इट इज़ उसे बहुत ही स्थूल स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वो कई बार आपको विवादास्पद भी लग सकता है और कई बार लगेगा कि बहुत अच्छा भी है, लेकिन उसको कैसे पढ़ना है, तो ये सब भी जो है वो यहाँ पे दिया गया हुआ है। अब देखिए, ये 12वां अध्याय पे यहाँ पे बेस्ड है। ओके, देखिए, जैसे देवी बोली, देवताओं जो एकाग्रचित तो होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरा सत्वन करेगा उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। और भी यहाँ पे जो है वो मीन्स छंद लेकर आचार्य जी ने समझाया हुआ है, तो आप इसे एक बार पढ़ें, काफ़ी आपको क्लैरिटी आएगी, और जो आपने अभी तक पढ़ा है ना दुर्गा सप्तशती, उसको पढ़ने का एक नया नज़रिया मिलेगा, और आप जो है वो आचार्य प्रशांत से मीन्स ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे आपको लगेगा कि वाह कौन मिल गए। तो आप एक बार देखें। ओके, बुक की जो है वो प्राइस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो है वो 300 है, लेकिन ऑनलाइन आप इसे परचेज़ करेंगे तो 150 या फिर 200, उससे ज़्यादा हार्डली आपको नहीं पड़ेगी। और इसका ई बुक भी है, मीन्स आप इसका PDF वर्जन भी एक तरह से कह सकते हो कि आप जो है वो आचार्य प्रशांत ऐप पे पढ़ सकते हो। आचार्य प्रशांत ऐप पे अगर आप PDF पढ़ोगे तो आपको 21-50 रुपीज़ में ही मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देखना। मैं आपको वो भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और PDF कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड ऑर्डर आप कर सकते हो ऑनलाइन। सभी की वीडियोज़ मैंने पहले से बना दी हुई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं अपना मेल एड्रेस भी दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय।